तो दोस्तों इस समय लगता है कि शायद भारत की रशिया के साथ इंडियन नेवी के लिए डील को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है, क्योंकि भारत अब रशिया की बजाय दूसरे देशों के साथ बातचीत करने लगा है। दरअसल आप सभी को मालूम है कि भारतीय नौसेना को अभी तत्काल कम से कम 6 की संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि हिंद महासागर में और अपने जलीय क्षेत्र के अंदर चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए भारत को 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चाहिए ही चाहिए। पर अब कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं कि भारत फ्रांस के साथ फ्रांस की बाराकुड़ा क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेकर चुपचाप तरीके से बातचीत कर रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि फ्रांस ने पिछले ही साल अपनी नई बाराकुड़ा क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च करी थी, जिसको लेकर भारत को भी इसके साथ सहयोग को ऑफर किया गया था। परंतु अभी जब G20 समिट भारत के अंदर हुआ है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस की यात्रा पर गए थे, तब इसी यात्रा के दौरान भारत ने फ्रांस की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है और भारत फ्रांस के साथ मिलकर भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाना चाहता है, जो कि फ्रांस की बाराकुड़ा क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर ही आधारित होगी। और इसके ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो। और यदि यह डील हो जाती है तो भारत को आने वाले एक दशक के अंदर कम से कम 6 की संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। वैसे भी फ्रांस भी 2030 तक ही अपने लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को नौसेना के बेड़े में शामिल करेगा और फ्रांस के सबमरीन की एक यूनिट की कीमत करीब $2 बिलियन से भी ज्यादा है, यानी भारत को 6 सबमरीन खरीदने के लिए $14 से $15 बिलियन के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, और जब रशिया के साथ SSN को लेकर भारत की डील नहीं हो पा रही है, तो क्या भारत को फ्रांस के साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की डील कर लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।